नमस्कार, बंसल रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप हर बार पोहे समोसा कचौड़ी खाकर बोर हो गए हो, तो इस बार हम आपको इजी तरीके से घर में आसानी से बनने वाला बेसन के नए नाश्ते की रेसिपी लेकर आए हैं, जो बहुत टेस्टी लगता है और जल्दी बन जाता है और बहुत यूनिक भी है। इसके लिए हमने लिया है बेसन। अब इसमें पानी ऐड करें, अच्छी तरह से मिक्स करें। देखिए, हमने पानी और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। मिक्स करें। ये चीजों को मिक्स कर लिया है। गैस पर एक पैन रखें, पैन में ऑयल डालें और ऑयल को गर्म होने दें। घोल बनाते समय ध्यान रखें, घोल इस तरह से लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, ज्यादा थिक ना हो। देखिए, ऑयल गरम हो चुका है। इसमें ऐड करें सौंफ और सरसों दाने, जीरा, हींग पाउडर और हमने जो बेसन का घोल बनाया था उसे इसमें ऐड करें। मिक्स करें, अच्छी तरह से मिक्स करें और थोड़ा और पानी डालकर चलाते हुए ही पकाएं। 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से पकाना है हमें इसे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, इसमें बबल्स आने कम हो गए हैं और ये पैन भी छोड़ने लगा है। ये देखिए, इस तरह से चेक करना है हमें, ये पैन में चिपक नहीं रहा है। जैसा हमें बेसन चाहिए वो बनकर तैयार है। तो हमने ली है ट्रे, आप थाली प्लेट कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं। इसमें डालें ऑयल और अच्छी तरह से ग्रीस करें। अब हमने पैन बनाया है उसे इसमें डालें, मच की हेल्प से चारों तरफ फैला दें। फैलाने के बाद इस तरह से हाथों से ट्रे को टैप करें, जिससे कि बेसन अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब इसके ऊपर हम ऐड कर रहे हैं कसूरी मेथी, तिल्ली, हरी धनिया पत्ती। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दें, जिससे कि बेसन अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हमने जो बेसन जमाया था उससे हमने इस तरह से पीस कट कर लिए हैं। अब गैस पर एक पैन रखें, पैन को गर्म होने दें। पैन गर्म हो चुका है, इसमें ऑयल डालें। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें ऐड करें सरसों दाने, तिल्ली, जीरा, तब जो हमने पीस कट किए थे उन पीस को इस पर डालें। 2 मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से अच्छी तरह से रोस्ट करें। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब इन पीस को पलट दें और दूसरी साइड से भी 2 मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करें। देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इसने एक अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। अब इनको प्लेट में निकालें। अब बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती डालकर स्नैक को गार्निश करें और सर्व करें। इसे आप टमाटर सॉस, दही या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। हेल्दी और टेस्टी बेसन का यूनिक स्नैक बनकर तैयार है। आप भी इस तरह से बेसन से नए तरह का नाश्ता बनाइए और इंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।